कीजिए। एक आवश्यक सूचना, इस क्षेत्र में नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो कह रही है कि जो दुकानें हैं एसी की, जो दुकानें हैं मोबाइल की, उन्हें बंद रखना है। मगर ठीक इस चेतावनी के बाद से भी आप देखिए दृश्य किस तरीके से पुलिस सामने कह रही है कि दुकानें जो है वो बंद करनी है। मगर दुकान आप देख सकते हैं, आदित्य विजन को आप देख सकते हैं, दुकानें खुली हैं। आदित्य विजन का ये जो दुकान है इसमें एसी, टीवी और तमाम चीज़ें मिलती है। तो वही दूसरी ओर आदित्य विजन को आप देखेंगे तो आदित्य विजन के इस दूसरे स्टोर में लैपटॉप्स, मोबाइल जो है वो तमाम चीज़ें मिलती है। आदित्य विजन के खुलने के बाद से सुबह से ही लोगों का जो है वो लाइन लग गया। बहरहाल आदित्य विजन में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उन्हें सैनिटाइज ज़रूर किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। मगर ठीक आप सोच सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है दूसरी तरफ लगातार चेतावनी देती जाती है कि जो इस एरिया में तमाम दुकानें हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर जो है वो खुलेंगे, मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य दुकान जो है वो नहीं खुलेंगे। मगर उसके बाद भी पुलिस की लगातार चेतावनी के बाद भी आदित्य विजन जो है वो खुला है और अब भी लोग आप देखेंगे लोग जो है वो अंदर है और लगातार यहाँ पर जो है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और इन बाइक्स को आप देख करके भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक साथ ही तमाम लोग जो है एकजुट हो गए हैं और ख़रीदारी जो है वो चालू है। मगर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं पुलिस की चेतावनी के बाद से लगातार आदित्य विजन की तरफ से जो है उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस का भी इनको डर नहीं है? आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।